इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से एक फर्जी नक्सली पकड़ाया गया है। फर्जी नक्सली कोंडागांव थाने का सहायक आरक्षक है। दो लोगों की तलाश जारी है। नक्सलियों के नाम पर लूटपाट करने का आरोप लगाया गया है इन पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से एक फर्जी नक्सली पकड़ाया गया है। दरअसल फर्जी नक्सली कोंडागांव थाने का सहायक आरक्षक है। दो लोगों की तलाश अब भी जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। नक्सलियों के नाम पर लूटपाट करते थे ये, और आपको बता दें कि नक्सलियों के नाम पर लूटपाट करने के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है, आरोप इन पर लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से नक्सलियों के नाम पर लूटपाट करने वाले आरक्षक गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो लोगों की तलाश अब भी पुलिस कर रही है जो इसके दो साथी थे। ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत होता है सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, दो लोगों की तलाश अब भी की जा रही है, उसको लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से अमागढ़ा क्षेत्र में लगातार नक्सलियों के नाम से पैसा की उगाही किए जा रहे थे। उसी कार्यक्रम में बीती रात अमागढ़ा के उसोली गांव में पहुंचे हुए थे, जहां पर ग्रामीणों ने उन लोगों को पकड़ा। वहीं फर्जी नक्सली द्वारा यह कहा गया था सरपंच से कि 1.5 लाख दो, नहीं तो आपको मरवा देंगे, इस तरह की उनके धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीण सामने हुए थे और एरिया के लगातार सरपंचों के पास जा रहे थे, तो वहां से उनको पता भी चला था। इसके बाद ग्रामीणों ने उन लोगों को कोशिश कर रहे थे, इसी नक्सली के पास एक फर्जी नक्सली को पकड़े हैं जो कि कोंडागांव में सहायक आरक्षक के पद पर सदस्य है। वहीं दो सहायक आरक्षक उनकी पताताजी सभी अमागढ़ जी। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जो नक्सलियों के नाम पर लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ में कुछ खुलासे अभी तक हो पाए हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने जो सहायक आरक्षक है उन्होंने बताया कि उसके पास दो और अन्य हैं, वो भी सहायक आरक्षक हैं। उन्होंने इसे अपने साथ लिया था और यह कहा गया था कि उस सरपंच के घर में जाना है और जिसके बाद उसे पैसे की उगाही करना है। वहीं 1.5 लाख रुपए के उस सरपंच को मांग किए थे, लेकिन सरपंच के द्वारा ला रहा बोल गाँव में गया, गाँव में ग्रामीणों को सकेले, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ा गया और रात भर उन्हें रखा गया था गांव में, जिसके बाद अभी अमागढ़ा थाना में लाया गया है। जी सुशील, पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, ऐसे में क्या कार्रवाई इस फर्जी नक्सली जो बताया जा रहा है उस पर आगामी वक्त में हो सकती है? जी बिल्कुल, इस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते उस एरिया में कोई भी नक्सली बनकर ग्रामीणों को हो चाहे बड़े बड़े ठेकेदार हो, उनके ऊपर जाते हैं और नक्सली के भाव दिखाकर पैसे की उगाही कर लेते हैं। इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में कई बार हो चुकी है, जिससे पुलिस अब संज्ञान में ले रही है और सघनता से जांच भी कर रही है कि ऐसे मामले कितने हैं, कितने आए हैं, उनके ऊपर फिर से जांच टीम बिठाएगी और पुलिस उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एक अभियान भी चलाने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। और इसी बीच एक और